गाइस हम एक खाली टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद रिएक्शन जो है वो हो चुकी है और इसका टेम्परेचर 70 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब जैसे ही हम इसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा डालेंगे, आप देख सकते हैं जो रिएक्शन है कितनी ज्यादा अमेजिंग बन चुकी है। वीडियो को लाइक